यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 47 कंप्लीट किया है। होप सो आप लोगों ने अपना कॉपी वर्क कर लिया होगा। नाउ क्लास, मूव ऑन आवर नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 48, अमेजिंग राइड्स एंड स्ट्रेंज बट ट्रू 4। तो नाउ क्लास, लेट अस स्टार्ट लास्ट चैप्टर, अमेजिंग राइड्स। यहाँ पे क्लास, इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे झूलों के बारे में डिस्कस करेंगे जो वाकई बहुत ही सरप्राइजिंगली है, अमेजिंग है और बहुत ही ऐसे अचंभित वाले झूले हैं कि ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसे भी झूले होते हैं, जो बहुत ही लोगों को मज़ा आते हैं ऐसे झूले झूल करके। ठीक है, हम सब जानते हैं कि अगर हम लोगों को मौज मस्ती करनी होती है, अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना होता है, तो हम लोग ज़्यादातर अम्यूज़मेंट पार्क ही जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कुछ उन्हीं राइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे राइड्स हैं और उसमें किस तरीके के झूले लगे हुए हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। टू एंजॉय अ फन पैक्ड डे आउट विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली, वी गो टू एन अम्यूजमेंट पार्क। यानी कि हमें अगर मस्ती करना होता है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ कुछ समय बिताना होता है, फन करनी होती है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? ज़्यादातर अम्यूजमेंट पार्क में ही जाते हैं। तो नाउ, मैजिक किंगडम एट वॉट डिज्नी वर्ल्ड रिसॉर्ट यूनाइटेड स्टेट इज़ द मोस्ट विजिटेड अम्यूजमेंट पार्क, मैच द राइड्स टू देयर डिस्क्रिप्शंस। यानी कि मैजिक किंगडम है जो आपका दुनिया का सबसे, आप कह लीजिए सबसे ज़्यादा घूमने वाला रिसॉर्ट है यूनाइटेड स्टेट में जो है, वो एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत अम्यूजमेंट पार्क है। यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोगों का पसंदीदा वो आपका है अम्यूजमेंट पार्क। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैच द राइड्स, कुछ झूले ऐसे दिए हुए हैं उनके डिस्क्रिप्शन के साथ कि वहाँ पे किस तरीके से उसका डिस्क्राइब किया गया है, उससे आपको मैच करना है। तो जैसे फर्स्ट वन यहाँ पे दिया हुआ है, बिग थंडर माउंटेन रेल रोड। यानी कि ये कैसा होता है, एक तरीके से आंधी तूफान जैसा ये माहौल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ये वाला, इसका ये माउंटेन रेल रोड है। ये माउंटेन के अंदर ही इसमें रेल जैसा बना हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इज़ अ माइन ट्रेन रोलर कोस्टर। ये क्या है, इज़ अ माइन ट्रेन रोलर कोस्टर है। ये एक तरीके का ट्रेन बना हुआ है और ये गोल गोल घूमता है पूरा, ये पहाड़ों के अंदर से ही होकर के, तो इस तरीके का ये है। ओके, नाउ द सेकेंड आपका दिया हुआ है, सेवन रफ माइन ट्रेन। यहाँ पे बौने बौने आपके माइन ट्रेन्स दिए हुए हैं सेवन। इसका डिस्क्रिप्शन आपका है, क्या कह रहा है, इज़ अ रॉकिंग फैमिली फ्रेंडली कोस्टर। ठीक है, तो इसको हमको इससे मैच करना है। नाउ द थर्ड दिया है, स्पेस माउंटेन। तो स्पेस माउंटेन यानी कि एक जैसे जैसे लग रहा है कि अंतरिक्ष में पहाड़ आ गया हो, कुछ उस तरीके से एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट किया गया है, तो इसे हमें मैच करना है। इज़ एन इंडोर डार्क आउटर स्पेस थीम्ड रोलर कोस्टर। यहाँ पे भी गोल गोल घूमने वाला झूला है, रोलर कोस्टर है यहाँ पे, तो ये एकदम से अंधेरे में बसा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कि हम स्पेस में आ गए हों। ठीक है, फिर नेक्स्ट फोर्थ वन है आपका वॉल्ट डिज्नी रेल रोड। ये रेल रोड है आपका, ठीक है, तो इसका है आपका फॉर अ ग्रैंड सर्कल टूर ऑफ मैजिक किंगडम पार्क। ये आपका इससे मैच करना है बी से, फॉर एक, ये एक तरीके का सर्कल है और ये आपका गोल गोल घूमता है पूरा एकदम, इसकी भी पटरियाँ बनी हुई हैं इस ट्रेन में भी, इसमें भी काफ़ी मज़ा आता है लोगों को। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एस्ट्रो ऑर्बिटर। ये कैसा है, तो ये आपका इज़ अ रॉकेट स्पिनर, ये रॉकेट की तरह ये वर्क करता है। तो इसलिए ऐसे अमेजिंग राइड्स हैं जो वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग है और लोगों का मन लुभाने में एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है एन अम्यूजमेंट पार्क इन अ दुबई क्लेम्स टू एन अनरिवील्ड द वर्ल्ड टॉलेस्ट लेगो बिल्डिंग स्ट्रक्चर, अ मॉडल बेस्ड ऑन बुर्ज खलीफा स्काई स्क्रैपर डिज़ाइन एंड बिल्ट यूजिंग 4,39,000 लेगो ब्रिक्स विद अ हाइट ऑफ 17 मीटर। यानी कि दुबई में एक है अम्यूजमेंट पार्क है, उसका नाम, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा समझ लीजिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम बुर्ज खलीफा स्काई क्रैपर कहते हैं, वो दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और इसमें यूज़ किया गया है 4,39,000 ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया और इसकी हाइट लगभग 17 मीटर के आसपास है। ओके, आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेंज बट ट्रू 4।
हम लोगों ने 3 तक कर लिया है, तो 4 तक अब हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, जो मेलोन स्कोर्ड 7 गोल इन अ हॉकी गेम इन 1920, ही स्टिल होल्ड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट स्कोर्ड गोल इन अ गेम। यानी कि जो मेलोन है, ये हॉकी के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है, सबसे ज़्यादा स्कोर इन्होंने बनाया है, गोल बनाया है पूरे वर्ल्ड में, वो हॉकी गेम इन 1920 में हुआ था और उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल बनाया और वो अब तक का रिकॉर्ड इन्होंने ही बनाया है सबसे ज़्यादा गोल हासिल करने का हॉकी में। नाउ सेकेंड दिया है, सौरभ गांगुली इज़ ओनली प्लेयर टू विन 4 कंसेक्यूटिव मैन ऑफ द मैच। यानी कि सौरभ गांगुली ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने लगातार 4 मैचों में मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन्होंने जीता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है, वाटर स्कीइंग वॉज एडेड एज एन ओलंपिक स्पोर्ट इन 1972। आपको पता है जो वाटर स्कीइंग है, ये एडवेंचर स्पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये आपका ओलंपिक में ऐड हुआ था इन 1972। फॉलोइंग इट्स सक्सेस इन द ओलंपिक्स, स्नो स्कीइंग वॉज सब्सिक्वेंटली एडेड जस्ट 2 ईयर लेटर इन 1974। जब देखा गया वाटर स्कीइंग को ऐड करके ओलंपिक में लोगों को अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, फिर उसके बाद ओलंपिक में स्नो स्कीइंग को भी ऐड किया गया 2 साल के बाद इन 1974। फिर नेक्स्ट क्या है, स्मॉल स्क्रीन आनंदी स्टार्टेड एक्टिंग अर्ली इन हर लाइफ। यानी कि आप सब जानते हैं आनंदी है, बालिका वधु में वर्क करती है, ये एक्ट्रेस हैं, तो ये सबसे कम उम्र वाली चाइल्ड हैं जो एक्टिंग कर रही हैं अपने लाइफ में। शी बिकम द ओनली टेलीविज़न एक्टर फ्रॉम द इंडिया टू बी फैसिलिटेड विद द प्रेस्टिजियस फेस ऑफ द ईयर अवार्ड इन वियतनाम। इनको फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था वियतनाम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट, माइकल जैक्सन फेमस डांस मूव द मून वॉक इज सेड टू हैव बीन बेस्ड ऑन द रूटीन ऑफ माइम आर्टिस्ट मार्कल मैक्यो। यानी कि माइकल जैक्सन का एक सबसे फेमस डांस हुआ है द मून वॉक, ठीक है, सबसे फेमस है वो उनका। फिर नेक्स्ट आपका है, मैडम टुसॉड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस वैक्स स्कल्पचर म्यूजियम हैव 5 वर्जन ऑफ बाइबर्स वैक्स स्टैचू एट देयर वेरियस स्टोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हिज स्टैचू ऑल्सो हैव द मोस्ट नंबर ऑफ पिक्चर टेकन विद द विजिटर। यानी कि ये मैडम थाउजेंड का समझ लीजिए सबसे पॉपुलर, आपका कह लीजिए वर्ल्ड में सबसे फेमस वैक्स स्कल्पचर है, मूर्ति है, ये वैक्स की पूरी तरीके से बनी हुई है और सबसे ज़्यादा लोगों ने इस स्टैचू के साथ पिक्चर्स अपनी क्लिक की है विजिटर्स ने, ओके। फिर नेक्स्ट आपका कह रहा है, जाकिर हुसैन इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द पायनियर इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन म्यूजिक। ही इंट्रोड्यूस स्टाइल ऑफ जैज फ्यूजन एंड वर्ल्ड म्यूजिक टू द हिंदुस्तानी घराना एंड चेंज द फेस ऑफ इंडियन रिदम स्कोर्स फॉर एवर। यानी कि हम सब जानते हैं जाकिर हुसैन तबला स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से इंडियन म्यूजिक को एक अलग स्थान दिया, इन्होंने पहचान दी अपनी इस रिदम के द्वारा, अपने इस तबले के द्वारा, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हुए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है, द ओरिजिन ऑफ मधुबानी पेंटिंग गोज बैक टू द रामायण एरा व्हेन ऑन द ओकेजन ऑफ सीताज मैरिज हर फादर राजा जनक अरेंज्ड लार्ज नंबर ऑफ आर्टिस्ट टू डेकोरेट एंटायर किंगडम विद हिज यूनिक आर्ट। यानी कि जो मधुबानी पेंटिंग है, ये एक तरीके से रामायण के समय से चली आ रही ये पेंटिंग है, इसका साक्ष्य हमें मिला है कि सीता जी की शादी के टाइम पर राजा जनक ने इस तरीके का पेंटिंग डेकोरेट करवाई थी, बनवाई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अजंता केव इज़ अ सेट ऑफ 30 मैनमेड केव्स ओवर लुकिंग वाइड हॉर्स हॉर्स शेप्ड जॉर्ज डिज़ाइन बाय यूनेस्को एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यानी जो अजंता की गुफा है, ये आपका एक तरीके से सबसे बड़ा मैनमेड केव बना हुआ है, ये आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको भी शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको बनाया गया है। फिर नेक्स्ट आपका दिया है, द बॉस बेबी इज़ अ लूजली बेस्ड ऑन द बुक बाई मार्ला फ्रेजी, फ्रेजी बुक सॉ द बेबी बींग द बॉस ऑफ द हाउस। नाउ गरबा इज़ अ क्वाइट फेमस इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अराउंड 20 यूनिवर्सिटी अक्रॉस द ग्लोब होल्ड गरबा डांस कंपटिशन ईच ईयर। गरबा जो है आपका यूनाइटेड स्टेट में सबसे पॉपुलर डांस के रूप में जाना जाता है और इसको हर साल वहाँ के कंपटिशन में इसको मनाया जाता है। नाउ कुचिपुड़ी इज़ अ वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ द साउथ इंडिया। हम सब जानते हैं कुचिपुड़ी यानी कि क्लासिकल डांस है आपका साउथ इंडिया का, ठीक है। तो आप लोग एक बार इस फैक्ट को फिर से पढ़ लीजिएगा पूरा और
ओके, इसको अपनी कॉपी में भी कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।